हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है फ्लेम एंड म्यूज पर। आज हम बात करने वाले हैं एक लीजेंड के ऊपर, यानी लीजेंड ऑफ शियानो के ये चैन के बारे में, उसके जर्नी के बारे में। तो जुड़े रहे, आपको पसंद आएगा ये वीडियो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीजेंड ऑफ शियानो का मेन प्रोटागनिस्ट जो होता है वो है ये चैन, लेकिन ये चैन का लव इंटरेस्ट जीनिंग शुवांग होता है, जिसे ये चैन बहुत प्यार करते हैं। ये चैन चेंगियो सैक का डिसेबल होते हैं, जो हमें देखने को मिला था। ये चैन पहले बार चेंगियोस एक्ट में दिखाता है, जहां पर एल्डर वू चेंगिंग ये चैन को इम्पोर्टेंट काम सौंप देता है, जो कि मॉन्स्टर फॉरेस्ट से जाके स्पिरिचुअल मेडिसिन लाने की। और ये चैन जाते हैं कुछ डिसाइबल लेके मेडिसिन लाने, और वो मेडिसिन लेकर वापस आ रहे थे, तभी किंग वेंग सेक्ट का लिप जी आते हैं। तो लिप जी ये चैन से मेडिसिन मांगता है, पर ये चैन नहीं देता है, और दोनों में बहस होता है और वो फाइट में बदल जाते हैं, जहाँ पे ये चैन से लिप जी बहुत स्ट्रांग होता है। फाइट में ये चैन बहुत घायल होता है, फिर लिप जी और चेंगियंग सेक्ट के डिसाइबल को मारते हैं, लेकिन ये चैन आकर सारे डिसाइबल को बचाते हैं। ये चैन अपने शॉर्ट टेक्निक यूज करते हैं, लिप जी इतना स्ट्रांग होता है कि ये चैन के अटैक डिफेंस करने के बाद ये चैन को बहुत ही स्ट्रांग अटैक करते हैं, जिससे ये चैन का हालत खराब होते हैं। लिप जी ये चैन से मेडिसिन मांगता है, पर ये चैन चालाकी से मेडिसिन को ऑलरेडी चेंगियोस एक्ट के डिसाइबल को देकर उनको भेज देता है, और जिसे लिप जी गुस्सा होता है और भाई बहुत ही तगड़ा अटैक यूज करके ये चैन को अटैक करते हैं, जिसके वजह से उसका कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे ये चैन अभी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। फिर ये चैन तो वहाँ बेहोश हो गया था, बट उसे सेक्ट में लाया गया था। फिर ये चैन सेक्ट में होश आते हैं और वो अपने कल्टीवेशन चेक करते हैं, जहाँ पर ये चैन का कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है वो उसे मालूम पड़ता है, और वो बहुत ही सैड होते हैं, और एल्डर वू चेंगिंग उससे मिलते हैं, जहाँ पर एल्डर ये चैन को शुक्रिया अदा करते हैं मिशन अकम्प्लिश्ड के लिए, साथ ही पैसे देकर ये चैन को सेक्ट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ये चैन चाहते हैं और निंगशुआंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत सैड होता है। एक तो कोर डिस्ट्रॉय हुआ, एक ऊपर से जिसे अपना समझ के वो भी निकल दे रहे हैं, और भाई वो याद करते हैं निंगशुआंग के साथ बिताए हुए पलों को। निंगशुआंग आती है और ये चैन से कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे की पार्टनर बनने की लायक नहीं है, जिसे सुन के ये चैन हिल जाते हैं, क्योंकि वो निंगशुआंग से ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था, और निंगशुआंग को ये ना चाहते हुए भी करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है, जिससे उनके दुश्मन भी बहुत होंगे। और एल्डर के बात भी सुन के निंगशुआंग डर सा जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो अभी कोर नहीं है, स्ट्रांग ओपोनेंट से सामना हुआ तो वो जान तो गंवा ही देगा, क्योंकि वो फाइट से पीछे तो कभी हटेगा नहीं। बट निंगशुआंग से सारे करवे बातें सुन के बेचारा टूट जाते हैं, फिर उदास होकर जाने लगते हैं ये चैन। और तभी ये चैन को जंगल में एक जगह से बहुत रोशनी आता हुआ देखते हैं, एंड वहाँ आकर देखता है फायर को, जो ट्रू फायर होता है, और ये ट्रू फायर लीजेंड ऑफ शियानो एम्पायर का होता है, जिसने ह्यूमन रियल बचाने के लिए ड्यूमन से लड़ते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, और फिर ट्रू फायर उधर आके गिरा, और ट्रू फायर रिएक्ट करते हैं और ये चैन के अंदर जाते हैं, और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। एंड उसके बाद वो फिर से आंखें खोलते हैं, तो वो देखते हैं एक वही दूसरे जगह पर है। तभी एक छोटे लड़का हुआ ये चैन को होश में आता हुआ देख के वो अपने ग्रैंडपा को बुलाने चाहते हैं, और ये चैन चेक करता है कि उसका कोर ठीक हो गया है, और उसके कल्टीवेशन लेवल 1 ऑफ निंगी स्टेज पर होता है। तभी एक आदमी आता है जो ये चैन को बचाया, एंड हिज नेम इज जेंग फेंग मियन। फिर मिस्टर जेंग और ये चैन के बीच एक अच्छा बॉन्ड होता है, लाइक फैमिली। और फिर मिस्टर जेंग ये चैन को हैंगियो सैक जाने की रिकमेंडेशन देकर ये चैन को हैंगियो सैक का आउटर डिसेबल का जर्नी तय होते हैं, जहाँ पर ये चैन एक वेपन के लिए ट्रेजर पेविलियन पर जाता है, और जहाँ पर ये चैन का ट्रू फायर टेनियंग शॉट के सिलेक्ट करने के लिए रिएक्ट करते हैं, जो बहुत हैवी शॉट होता है, लाइक शॉट सिलेक्ट किया ये चैन को, और वो उसी शॉट को लेता है। फिर ये चैन टाइनियंग शॉट को अपने ब्लड से एक्टिव करके दोनों एक होते हैं, और फिर ये चैन जंगल में प्रैक्टिस करते हैं, तभी चूलिंगर जो बहुत
हॉट है, वो कायल हाल में हमें देखने को मिलता है और उसके पीछे दो डिसाइबल पड़ा हुआ है एंड ये चैन उनसे वो चूलिंगर को छुपा देता है एक कैब में और ये चैन अपने ट्रू फायर से चूलिंगर को ठीक भी करता है और जहाँ दोनों के बीच मिलन भी होता है यू नो। और फिर ये चैन को शियोंग मिलते हैं जहाँ पर ये चैन के ट्रू फायर से शियोंग का मदद करते हैं और तभी से दोनों अच्छे दोस्त होता है। तभी से दोनों एक साथ ही डिमोनिक बीस्ट अदर डिसेबल्स को से लड़ते हैं लाइक भाई भाई और उनके स्पिरिचुअल बैक लूटते हैं और जहाँ पर एक बुक मिलता है जिसमें शॉर्ट बनाने की टेक्निक लिखा हुआ है और फिर ये चैन का टाइनी एक शॉर्ट तो बहुत हैवी है लाइक यू नो और इसीलिए वो अपने लिए एक लाइट शॉर्ट बनाते हैं। फिर लाइट शॉर्ट का नामकरण करता है चिक्सियाओ। फिर ये चैन हुआ के फैसल अनलॉक करते हैं ताकि वो कल्टीवेशन कर सके एंड शियोंग आगे ये चैन को नेदर मार्केट के बारे में कहता है जहाँ पर ऑक्शन होता है जिसमें जितने बड़े बड़े सेक्ट है सब आते हैं एंड ऑक्शन में खास करके टीएनजी पील को लेकर सारी कांड होता है जो हम एपिसोड में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाके चेक कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक जरूर देखना एक बार। और लेकिन ये चैन का क्या किस्मत मिला, टीएनजी पील को लेकर इतने सारे उधर हल्ला हुआ, लोगों को काटा जा रहा है मारा जा रहा है और टीएनजी पील ये चैन को मुफ्त में मिला। और ये भी देखने के लिए आप जानो क्योंकि हम इसका ऊपर ऊपर से ही बात कर रहे हैं सिर्फ ये चैन के जाने। और फिर ये चैन को हैंग्यू सेक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं जहाँ पे ये चैन के पीछे बाकी हैंग्यू सेक्ट के पीक के एल्डर और डिसेबल पढ़ते हैं बट ये चैन सबसे फिर जाते हैं। और एक बार हैंग्यू सेक्ट के एल्डर शूफू ने ये चैन को बचाया, वो भी बुरे हाल में क्योंकि भाई सारे डिसेबल उस पर टूट पड़ा था जबकि वो उतना पावरफुल भी हुआ था लेकिन वो अभी भी उसका अवेकन नहीं हुआ था। ये चैन को वो एल्डर यानी एल्डर शूफू प्योरीफाई करना सिखाते हैं और ये चैन बहुत ही जल्दी वो सीख भी लेता है। फिर एल्डर शूफू और शूनर बात करते हैं तभी ये चैन शूनर को देख के चुप हो जाते हैं क्योंकि लंबी कांड हुआ जिसके लिए भी आपको एपिसोड देखना पड़ेगा यार, मैं कितना बार बोलूंगा ये बात। और कांड हुआ क्योंकि वो चूलिंगर का बहन है बट शूनर ये चैन को सेंस करते हैं और बाहर निकलते हैं वो भी खींच के, लेकिन एल्डर शूफू ने अपने पावर से ये चैन को धोखा देता है ताकि वो शूनर के डिसेबल बने। लेकिन शूनर वहाँ पे डील करते हैं ये चैन से कि अगर तूने टूर्नामेंट जीत लिया तो तू मेरा पक्का डिसेबल बनेगा। फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं जहाँ पर ये चैन के पीछे सेक्ट के एल्डर का ऑर्डर से सारे डिसेबल पर जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ कुछ डिसेबल यानी चार डिसेबल ये चैन का जो अच्छे दोस्त होता है एक शूफू का डिसेबल भी होता है और उसके इस हाल में भाई वो लोगों ने बहुत मदद किया और बहुत मदद करते हैं। और तभी ब्लैक थ्रस्ट हॉल लीडर ये चैन को अटैक करते हैं साथ ही में उसका फ्रेंड को भी क्योंकि ब्लड ट्रस्ट हॉल को पता चला है टीएनजी पील ये चैन के पास है इसलिए वो ये चैन से वो लेने के लिए अटैक करते हैं। देन ये चैन अपने फ्रेंड को घायल देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं और डिमोनिक पावर वेकनिंग हो जाते हैं। ब्लड ट्रस्ट हॉल लीडर को हराती भी है उस पावर से, भाई बहुत ही डेंजरस पावर था अभी तक का ये चैन का। ये चैन को बचाने के लिए चू शूनर वहाँ पे आ रही होती है पर ये चैन आउट ऑफ कंट्रोल होता है और शूनर पर ही अटैक करते हैं और तभी एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन ये चैन का डेमोनिक पावर कुछ करके दबोच लेता है और ये चैन बेहोश होता है वो भी। और 7 दिन बाद उसके होश आते हैं जहाँ वो देखते हैं उसके दोस्त लोग अभी भी उसका ख्याल रख रहा है। वो उठ के पहले बोलते हैं आप सब ठीक तो हो और फिर भाई सारे मिलके टूर्नामेंट के रिजल्ट के लिए जाते हैं क्योंकि वो होल्ड पे था क्योंकि ये चैन एक ऐसा कंटेस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो ये बेहोश था और ये चैन और बाकी उसके चारों दोस्त उस ऑफिशियली वहाँ पे जीत जाते हैं और ऑफिशियली ये चैन और बाकी के उसके दोस्त इनर डिसेबल होता है। और शूनर उसे कहा अगर कॉम्पिटिशन जीत गया तो उसे डिसेबल के तौर पर लेगा और फाइनली ये चैन मान भी जाते हैं क्योंकि जितना कुछ हुआ वो देखने के बाद यही लोग उनके अपने लगने लगे और उन्हें वो छोड़ नहीं सकते हैं अब क्योंकि और भी बहुत से खतरा आने वाला है। और मामला ख़त्म होने के बाद वो उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन को ढूंढने जाते हैं और जो डेमोनिक पावर को न्यूट्रलाइज किया और क्योंकि वो पूछते हैं जाओ ओल्ड मैन उसे कहता है तुझे एक फेवर करना होगा और जब ये चैन पूछता है क्या ही फेवर करूँ मैं तो बोलता है मुझे मारना होगा। और ब्रो ये चैन एक बार फिर से एक
खतरनाक सिचुएशन में फंस गया जहां सीजन वन खत्म होते हैं और ये बस लीजेंड बनने का सफर की शुरुआत है जो आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, अगर आपको ये चैनल का जर्नी अच्छा लगा जो बस हमने ऊपर से कवर किया एंड आप इंटरेस्ट हो तो डेप में जानने के लिए सो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक करो जहां हम डिटेल सारे एपिसोड लिटरली एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।